तो आप लोगों को समझ में आ गया करना क्या आपको? सर आपने बुलाया क्या? हाँ जी बोलिए। ये क्या है? चाय है ये? वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है कि ये चाय है। आपने चाय में इतना पानी डाल दिया है, इस चाय का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब एक बात बताइए कि आपको इतना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, आपको आज तक चाय बनानी नहीं आई? सर मेरे हाथ की बनी चाय तो आप हमेशा पसंद करते हैं और बाकी का स्टाफ भी मेरे हाथ की बनी चाय की तारीफ करता है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अंकल मुझे लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, आप सही से काम नहीं कर पाते हो, तो आपको कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, घर पर आराम कीजिए। सर ये आप क्या बोल रहे हो? हो सकता है चाय बनाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, इतनी सी बात पर मुझे जॉब से मत निकालिए। अंकल बात सिर्फ चाय की नहीं है, आपकी ऑलरेडी इतनी कंप्लेंट आ रही है कि आप टाइम पे चाय नहीं बनाते, नाश्ते नहीं बनाते, फ़ोन नहीं उठाते, सुनते नहीं हो, बताओ मैं क्या करूँ? सर ऐसा कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं सर। अरुण बेटा तुम ऐसा कह रहे हो मेरे बारे में? क्यों ना बोलूँ अंकल, आपके होते हुए भी हमें चाय की टपरी पर जाना पड़ता है चाय पीने, और ना ही सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है ना कुछ। आधे से ज़्यादा टाइम तो आप कॉल पे बिता देते हैं, 10 बार आपको आवाज़ माननी पड़ती है और एक बार मैं आपको सुनाई नहीं देता, और मुझे नहीं लगता आपकी यहाँ पर ज़रूरत है। एक मिनट, आज मैं आपको चाय बना के दिखाता हूँ कि चाय बनती कैसे है, वेट करो आप। बेटा आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम लोगों का हमेशा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा और आज तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो। ये लीजिए। अरे देख क्या रहे हो, लीजिए ना। चाय तो बहुत अच्छी बनी है सर। अच्छी तो बनी होगी अंकल, मैंने जो बनाई है, लेकिन आपकी चाय से अच्छी बिल्कुल नहीं बनी होगी, क्योंकि आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट चाय बनाते हो। मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई और बेस्ट चाय बनाता होगा। क्या मतलब सर? हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब क्या है बेटा? ये हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश थी, आपको क्या लगा आप नहीं बताओगे कि आपका बर्थडे है आज, हमें पता नहीं लगेगा? जो इंसान हमारे लिए इतना करता है, हमारे खाने पीने का, हमारे नाश्ते का, हमारी चाय का ध्यान रखता है, हम भी तो उसके लिए छोटा सा कुछ कर सकते हैं। हमेशा आप अपने हाथ की चाय पिलाते हो, आज आपने मेरे हाथ की चाय पी है। क्यों ना बोलूं अंकल, आपके होते हुए हमें कुछ भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलने से पहले टेबल पर वो चीज़ हाजिर हो जाती है। हम नाश्ता करना भूल सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलते हमें नाश्ता देना। जब हमें काम का स्ट्रेस होता है ना, आपकी अदरक वाली चाय पी के सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। और देखिए ना, आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, और हम हमेशा ये पूछना भूल जाते हैं कि आपने समय से चाय पी है या नहीं। जितना आप हमारे लिए करते हो ना अंकल, उसके लिए थैंक यू एक छोटा सा बड़ा है। हमने सोचा कि आपका बर्थडे यादगार बनाने के लिए आपको एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं, बस हमने थोड़ी सी मस्ती करते हुए आपके लिए सरप्राइज रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ आप जैसा सर हो और आप जैसा स्टाफ हो, वहाँ पियोन भी राजा की तरह ज़िंदगी जीता। आप हमें अपनी बर्थडे पार्टी में एक बढ़िया सी अदरक वाली कड़क सी चाय पिला देना बस। जी सर, अभी बना के लाता हूँ। अंकल जी ये अपना केक और गिफ्ट तो लेते जाइए, लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा खुश रहो।